आखिर कौन थे भगवान सूर्य देव के पांच शक्तिशाली पुत्र? आखिर कितने शक्तिशाली थे ये पांचों पुत्र? एक पुत्र ऐसा जो पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था, और एक पुत्र ऐसा भी जिसकी शक्ति से पांचों पांडव और स्वयं श्री कृष्ण भी उससे कांपते थे। नंबर एक वाले पुत्र से तो स्वयं महादेव भी डरते थे। आखिर कौन थे ये शक्तिशाली पुत्र? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। सूर्य देव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के नौ ग्रहों में से सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वो नौ ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य देव के परिवार में उनकी दो पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्य देव की कुल मिला के 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पांच ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। पांचवें स्थान पर है अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था, और संज्ञा सूर्य देव के तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संध्या ने वेवस्वत यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्य देव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसीलिए वे सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई, लेकिन सूर्य देव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में जब सूर्य देव को संदेह हुआ, तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्य देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया, फिर घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंचे और उनके साथ वहीं पर संभोग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरे रेवंत थी। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत में माद्री को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और छाया काल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए। नंबर 4। अब बात करते हैं सूर्य देव के चौथे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्य देव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं वृक्षराज जामवंत जी ऋषि पुलत्स्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि पुलत्स्य ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था, इसीलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर है। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपने उदंडा में जामवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए, और तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्य देव की नजर जामवंती पर पड़ी, तब वह उनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए और इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे, और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि के रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और ये कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र यानी सूर्य पुत्र कर्ण की। सूर्य पुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया,
लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुवारी थी, इसीलिए लोक लाज के भय से कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बनाया था, और यहाँ तक कि परशुराम जी इन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया था। उनके पास गुरु परशुराम जी के दिए हुए कई सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुर्धारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण ही कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज जहाँ संज्ञा के पुत्र थे, वही शनिदेव उनकी छाया के। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे, तो एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संज्ञा व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र है, लेकिन उन्हें ना तो कोई दिव्य शक्तियां मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए ना केवल इनको जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से महादेव और भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वे दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वही महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता यानी युधिष्ठिर भी यमराज के ही आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। वैदिक काल में यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनके आत्माओं का आश्रय देने वाला भी कहा जाता है, और आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र है। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता है और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधित स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास धूप और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनकी माँ के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा पूज्य स्थान में रहेंगे।
वह अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का भी हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी खुद शनिदेव की कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था।